543 वर्ष 540 वर्ष तले अति बड़े जगन्नाथ दास ओडिया भागवत को घरे घरे परिचित कराइले। पंचशाखार अन्यतम जगन्नाथ दास जड़े बहुत भक्त थिले, अनन्य पुरुष एवं अलौकिक पुरुष जहाँकि से बहुत किसी लिखि जाइंट भक्त भाव में चारिड़े विख्यात लाभ कर आसतु तक पीठ को जी कपिलेश्वर ग्राम से जन्मस्थान सेठिक जावा पीठ से दर्शन करवा अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत जदि आज घरे घरे परिचित होती संभव होती अति बड़ी जगन्नाथ दास कृति जो सी अति बड़ी जगन्नाथ दास जी पाखापाखि 533 वर्ष तले यही कपिलेश्वर ग्राम से भागवत रचना करते ओडिया भागवत को घरे घरे ओडिया परिचित कराइले। आज आसतु तांकर पेट दर्शन करवा समाधिस्थल देखा सी जगन्नाथ परम भक्त अति बड़ी जगन्नाथ दास आसतु शेषे आम पहुँची जाइ कपिलेश्वर ग्राम पंचायतर से कपिलेश्वर ग्राम से अति बड़ी जगन्नाथ दास जन्मपीठ से यही छोटिया जो देखुं पीठटी ऊपर लिखाही अति बड़ी जगन्नाथ दास पीठ एटा अति बड़ी जगन्नाथ दास ये जन्मग्रहण करते पिता नाम था श्री भगवान दास माता थे पद्मावती आज को विश्वास करेंगे ना 543 वर्ष पखापाखि 543 वर्ष 540 वर्ष तले अति बड़ी जगन्नाथ दास पंचशाखा मध्य अन्यतम सारला सारला जुगर से अभिज्ञ पुरुष जन्मग्रहण करते ओडिया भागवत को घरे घरे परिचित कराइले। ओडिया भागवत रचयिता श्री अति बड़ी जगन्नाथ दास अति बड़ी उपाधि पाई प्रभु श्री चैतन्य ठार चैतन्य आसते मात्र 19 वर्ष बयस होता से जगन्नाथ परम भक्त थे बापा भगवान दास एवं जगन्नाथ भक्ति उद्बुद्ध हो पुअर ना दे जगन्नाथ एवं से जगन्नाथ ना आज घरे घरे परिचित अति बड़ी जगन्नाथ दास से अति बड़ी न कहले जगन्नाथ जगन्नाथ दास गाँव में भी कई चिंती आम पचारूँ जगन्नाथ दास पीठ कौटी ना क्या कथा कौन अति बड़ी कथा कौन आम अति बड़ी ना न कहले गाँवर पिलाठू आरंभ कर बुढ़ा पर्यंत कहीं जानते नहीं जगन्नाथ दास किए अति बड़ी कहे समय जानते तेणी से ही चैतन्य प्रभु श्री चैतन्य ठार उपाधि पाई अति बड़ी जगन्नाथ दास आज घरे घर परिचित ओडिया शास्त्र को लिपिबद्ध करिवारे जो पंचशाखा बलराम दास जगन्नाथ दास अनंत दास जशवंत एम जो अच्छा पंचशाखा ये पांचशाखा समय सारला जुग आरंभ होता है सारला जुग को सारला जुगर ही ओडिया भाषा को विधिवद्ध भाव में लिपिबद्ध करी ओडिया भाषा साहित्य प्रचार कराइला तेणु आज आम जो ओडिया भाषा पाठ पढ़ुचे ये सारला जुगर जो पंचशाखा जो पढ़ी पारे और सारला जुगर से अति बड़ी जगन्नाथ दास जो पढ़ी पारे जगन्नाथ दास और बापा भगवान दास संस्कृत अति विज्ञ थे एवं कि माँ बुझी पार नए जे तू भागवत जो कौचु श्रीमद भागवत मुझ तो किसी बुझी पार नहीं तू मत कह तू ओडिया कह तो सही माँ का प्रेरणा रे अति बड़ी जगन्नाथ दास श्रीमद भागवत को घरे घरे परिचित करते ओडिया भागवत हिसाब से भागवत टुंगी ना प्रत्येक गाँव में सेतबेले थिला भागवत पढ़ा होता आज मध्य देखा जाउची जे आपंकर जगन्नाथ मंदिर रे जो आपंकर कार्तिक मास रे जो हविष्याणी मान जाउचंती तांकु मध्य ओडिया भागवत बुझा होची नवाक्षरी संदरे रचना कराइथिबा ओडिया भागवत आज घरे घरे परिचित एवं पुरी ठारु ब्रह्मगिरी आसला बेले मुख्य रास्ते रे गोटे खाली तोरण होईची किंतु आउ ता छड़ा ये रास्तार उन्नतिकरण हो पारे किंतु ये पीठर भी उन्नतिकरण हो पारे आम देखु सरकार बहुत बड़ बड़ पीठर बहुत कोटि कोटि टाँग खर्च करुँचे भावुचे जे ये पीठर मध्यदी लोकलोचन को आसो ताल बहुत लोक जापारे जे सारा जुगर ये विज्ञ संस्था जो थे विषय जापारे और आगामी पीढ़ी की मत परिचय दे पारे आसतु मो सहित देखा ये पीठ विषय कौन अच्छी आप देखा अति बड़ जगन्नाथ दास मूर्ति राज्य सरकार ये मूर्ति को स्थापन कर राज्य सरकार प्रतिष्ठा एवं ये पीठर रक्षाबेक्षण चलता किंतु आम दुखर विषय कहूँ जे 1960 मसीह जगन्नाथ जो उत्तर पुरुष मैंने पर्टिकुलरली श्री भगवान दास जी 1960 मसीह पीठ रक्षाबेक्षण करते सी आज को 6 दिन तले देह त्याग करते
तेणु ये आम जो गाँववासी पचारू तो गाँववासी कहते सी पीठर जी एति सी आज पर्यत सी चल आसते देहांत पर यह पीठ को किए चल सी गोटे बड़ अति बड़ प्रश्नवाची सृष्टि गाँव लोक समस्त सहज रही है। गाँव लोक समस्त चाहते जे पीठर पुनरुद्धारपी सरकार आगे आसतु एवं ये पीठ जो पुनराधार न हो जे ओडिशा साहित्यर जो श्रष्टा अतिबड़ी जगन्नाथ दास जे पंचशखा भितर अन्यतम एवं जो ओडिया भाषार पुनराधार हो पारि से भाषा को बचाईपाई से श्रष्टा को बचाई रखापी पीठ को उज्जीवित रखापी सरकार प्रचेषा और सरकार उत्तरदायित्व रही तेणु जनसाधारण डिमांड रोचे जे ये पीठ जमी अन्न पीठ भली पीठर मध्य मान्यता रो ये पीठ को सरकार का ध्यान दिंतु एवं पीठर उत्तरोत्तर उन्नति करंतु। ये होची से कपिलेश्वरपुर शासन 540 वर्ष 543 वर्ष तलर जो आप सारा जुगर पंचशखा अति बड़े जगन्नाथ दास जन्मस्थान थिला एवं ये पीठर रक्षणाबेक्षण जे करुथिले तांकर देहांत घटी मु दर्शक देखा चाहूँ पीढ़ीर लोक श्री भगवान दास गत 8 तारीख में देह त्याग करिसेंति तेणु से पूरा गाँववासी समस्त मृियमाण अच्छा ये पीठर जहाँ भी किसी आज देखुं ये तिष्टि रही स्वर्गत श्री भगवान दास तेणु ये पीठ को जदि सरकार अतिशीघ्र दायित्व न ने भावुची ये पीठर जो रही चिन्ह रही आम साहित्य जगत लोप पाई निवेदन रही सरकार अतिशीघ्र जमी अन्न पीठ मान पुनराधार कर ये अति बड़े जगन्नाथ दास पीठ को पुनराधार करूँ एवं जमी आगामी पीढ़ीपाई जो तिष्टि रही से व्यवस्था करूँ आप स्वर्गत भगवान दास पुत्र अच्छा कौन कह बापा विषय बापा केमी आपठर ये रखुले बापा दीर्घ दिन धरी ये पीठ को बचे रखी तार अस्मिता अति बड़ी जगन्नाथ भागवतर प्रचार प्रसार संपूर्ण समय से अतिवाहित करदे किंतु वर्तमान पर्यंत बापा थिबा अवस्था में सरकार से भली किसी दृष्टि या उपरे पड़नी जहाँ भी पड़ी जत्किंचित किंतु वर्तमान बापा अवर्तमान ये संस्थार किभली विकास हम यह किभली परवर्ती पीढ़ीपाई एक उज्ज्वल ज्योतिष होकर देखादब एवं अन्य मानक प्रेरणार उत्स हम से मुझे निवेदन करुच्ची सरकार पाखे एवं समस्त भागवत प्रेमी मान पाखे ये संस्थार पुनरुद्धार हो भगवान दास जो थिला गोटे स्वप्न से स्वप्न केमती परिपूर्ण हम जहाँ हम प्रकृत भगवान दास प्रति आम प्रकृत श्रद्धाजलि ठीक कहले जे ओडिशा साहित्यर पुनराधार जी करते अति बड़ी जगन्नाथ दास स्मृति रक्षा करने आज तर भगवान दास पुत्र आगे आंकड़ा जनसाधारण समस्त निवेदन रही पीठर पुनराधार हो पीठर पुनराधार हेले आगामी ओडिशावासी आगामी पीढ़ी जापर जे ओडिया साहित्य को बचाई रखि सारा जुगर से ही महापुरुष आगामी 500-600 वर्ष धरी आम गण रही पार्थे आपको बहुत बहुत धन्यवाद आमको साक्षात देखते।